प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और अमर आत्माओं को मैं नमन करता हूँ। मध्य प्रदेश ने देश और समाज के लिए अपनी जान कुर्बानी देने वाले शहीदों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अनेक काम किए, आगे भी करेगा। भोपाल में सूर्य स्मारक अपने आप में एक अनूठा आकर्षण का केंद्र है। इसी कड़ी में 14 अगस्त को प्रदेश में पहली बार सरकार ने शहीद सम्मान दिवस मनाया। इस दिन सेना, पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल के शहीद जवानों के परिवारों से मिलकर जनप्रतिनिधियों ने उनके बलिदान का स्मरण किया। मैं प्रदेश के नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि आज के इस पावन अवसर पर ये संकल्प लें कि देश के लिए हर बलिदान देने को तैयार रहें। मध्य प्रदेश को पहले हिमालय राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, वहां से हमने इसे विकासशील राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए काम किया। अब विकसित मध्य प्रदेश की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य देश को समृद्ध बनाने की ओर अग्रसर होना है। इसके लिए विकास और कल्याण के सभी क्षेत्रों का विभागवार 5 साल रोड मैप बनाया जा रहा है। पूरी शक्ति से इन रोड मैप पर कार्य होगा। मुझे पूरा विश्वास है हम प्रदेशवासियों के सहयोग से समृद्ध प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप दे सकेंगे। प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर बनी हुई है। हमारी विकास दर पिछले कई वर्षों में लगातार डबल डिजिट रही है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। प्रति व्यक्ति आय जो 2003 में 13,722 रुपये थी, अब बढ़कर 79,709 रुपये इस वर्ष होने का अनुमान। विकास के लिए हम नियमित रेट प्रावधानों पर निर्भर न रहकर आय केंद्र स्रोत की तलाश में रहे। प्रदेश के संसाधनों, विशिष्ट कृषि उत्पादों, नई फसलों, निवेश के नई क्षेत्रों को चिन्हित करने के कार्य शुरू कर दिए गए हैं, ताकि समृद्ध प्रदेश के लिए धन की कमी आड़े न आए। पिछली सरकारों ने गरीबी हटाने का नारा तो किया, परंतु उस नारे को यथार्थ में बदलने के लिए प्रयास नहीं किए। उनमें कमी रह गई। नारों से आगे निकलकर बुनियादी सुविधाएं लेकर गरीबी हटाने की हमारी प्रतिबद्धता, हम मध्य प्रदेश के गरीब परिवारों को सभी मूलभूत सुविधाएं जुटाने का कार्य आगे आने वाले समय में करेंगे और उसके साथ साथ गरीब परिवारों का आय बढ़ाने का काम भी करेंगे। इससे समृद्ध मध्य प्रदेश में गरीब का कोई स्थान न हो। देश और दुनिया की अनूठी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल इसी वक्त से लागू की गई है। योजना प्रदेश के लगभग आधी आबादी के रोटी खुदा और मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, रोजगार जैसी मूलभूत चिंताओं को दूर करने के लिए क्रांतिकारी कदम है। मेरा विश्वास है योजना में अभी तक 2,09,00,000 असंगठित कर्मचारियों ने पंजीयन कराया। योजना में अंत्येष्टि, सामान्य दुर्घटना, मृत्यु की दशा में सहायता, स्थायी और आंशिक अपंगता में सहायता, शिक्षा में प्रोत्साहन, सरल बिजली बिल, बकाया बिल माफी, प्रसूति सहायता जैसे लाभ शामिल किए गए। जुलाई अंत तक 70,00,000 लोगों को इसका लाभ दिया जा चुका है। 1 रुपये किलो अनाज, 1 रुपये किलो नमक प्रदेश की चौथाई आबादी को दिया जा रहा है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है अपना मकान। इसे पूरा करने में सरकार आगे आई। जनवरी 2018 में ग्रामीण क्षेत्र में भूखंड अधिकार अभियान में 9,00,000 से अधिक परिवारों को भूखंड अधिकार पत्र प्रदान किए गए। पहले विकसित भूखंड अधिकार पत्रों को शामिल कर 35,00,000 से अधिक परिवारों को आवासीय भूखंड मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 7,00,000 से ज्यादा आवास बन गए हैं। शहरी क्षेत्रों में इस योजना में इस वर्ष 5,00,000 और 2022 तक 10,00,000 आवास बनना है। 1,25,00,000 आवासों का निर्माण हो चुका है। शहरी क्षेत्र की शासकीय भूमि पर दिसंबर 2014 तक निवासरत गरीबों को पट्टा दिया जा रहा है। गरीबों के घर शौचालय युक्त हों इस दशा में विशेष रूप से कार्य करते हुए नगरीय क्षेत्र में 5,00,000 से अधिक शौचालय बनाए गए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 94% घरों में शौचालय सुविधा के साथ प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में। पंजीकृत श्रमिकों, संक्रमण कर्मचार अधिकतम 200 रुपये प्रतिमा की दर से जुलाई माह से सरल बिजली बिल देना आरंभ कर दिया गया है। योजना में शामिल होने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। बकाया बिल माफी योजना में पंजीकृत श्रमिकों, संक्रमण कर्मचारों, बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को जून 2018 तक बकाया बिल राशि सरचार्ज सहित सरकार अपने ऊपर लेने जा रही है। बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के बाद अब हमारा लक्ष्य यह है कि प्रदेश के हर नागरिक को
अगर बिजली से रोशन हो, चाहे वो प्रदेश में कहीं भी रहे। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पालन की गई सौभाग्य योजना के तहत 21 जिलों में सभी घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। अक्टूबर माह तक प्रदेश के हर घर में बिजली का प्रकाश लाने का हमारा लक्ष्य है, मुझे विश्वास है पूरा कर लिया जाए। सभी ग्रामीण घरों को रोशन करने के लिए विभिन्न योजनाओं में 3 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को 83 लाख जमीन गैस कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे गरीब महिलाओं को जहाँ ईंधन के चक्कर में जंगलों के अकड़े लाने का चक्कर खत्म हो जाएगा, वहीं धुआं रहित ईंधन के कारण और संबंधी समस्याओं में कमी हुई। हर गरीब को आवास, घरों में बिजली, शौचालय, गैस चूल्हा, अगली अवस्था स्वच्छ पेयजल की है। इस पर हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस पर हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। बड़े गांव में प्रयास करके गांव के हर घर तक नल जल योजना पानी पहुंचाने का काम आने वाले सालों में किया जाएगा। प्रथम चरण में सामान्य क्षेत्रों में 1,000, आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले गांव में नल जल योजना से पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। कृषकों की खेती के आय को 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। एक ओर हम सिंचाई का रकबा बढ़ा रहे हैं, कृषि की लागत को कम करने के उपाय कर रहे हैं, दूसरी हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो। यदि किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़े, फसल की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था हम कर रहे हैं। फसल बीमा, मुख्यमंत्री कृषक बंधु की भावांतर योजना, प्राकृतिक आपदाओं में फसल क्षति, अन्य योजनाओं में किसान के खातों में 35,000 करोड़ से ज्यादा की राशि पहुँचाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ 2017 फसल के लिए 5,127 करोड़ रुपया बीमा के मध्य प्रदेश के किसानों को प्राप्त हुआ है। लहसुन और प्याज की फसलों के लिए कृषकों को उचित मूल्य सुनिश्चित कराया गया है। प्याज के भंडारण हेतु 3 लाख मेट्रिक टन के भंडार निर्मित किए गए हैं। 2 लाख मेट्रिक टन भंडार गृह निर्माण के लिए धानी की अन्य फसलों खाद्य फसलों इकाई विशेष पैकेज किया जा रहा है। उत्तम श्रेणी का हो, किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो। जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास, 10 सालों में सिंचाई क्षमता 7,50,000 से बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर कर दी गई है। अब इसे 80 लाख हेक्टेयर करने का कार्य किया जा रहा है। सरकार सिंचाई परियोजनाओं में वर्ष 2014 तक 1,30,000 करोड़ रुपया निवेश करेगी। माँ रतनगढ़ सिंचाई योजना, लोअर सिंचाई योजना, पार्वती सिंचाई योजना, अरसी लोअर सिंचाई योजना, वीरा सिंचाई योजना उल्लेखनीय योजना है। निर्माण के लिए इनकी हर सिंचाई योजना में लगभग 1 लाख हेक्टेयर और जमीन जोड़ रही है। मालवा के जल संकट के सही समाधान के लिए गरुड़ा मालवा लिंक परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ाया गया है। चिपला, गंभीर, पार्वती, कार्यशील लिंक किया जा रहा है। मालवा नर्मदा लिंक परियोजना में 4,80,000 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। छोटे तालाब को संकलन निर्माण योजनाबद्ध तरीके से करने के लिए ग्राम सरोवर अभिकरण स्थापित किया गया है। यह अभिकरण 5 वर्षों में 5,000 तालाब निर्मित करेगा। सरकार कृषि के सभी क्षेत्रों को भी बात को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि दूध उत्पादन में प्रदेश में देश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। सिंचाई जलाशयों, ग्रामीण तालाबों में मत्स्य पालन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश का 98% से अधिक जल क्षेत्र मत्स्य पालन में शामिल किया गया है। सरकार ने प्राकृतिक आपदा के लिए राहत राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की थी। पिछले साल कुछ जिलों में गंभीर सूखे की स्थिति में किसानों को 1,420 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। नियमों में संशोधन करते हुए राहत राशि को 30,000 रुपए प्रति हेक्टर कर दिया गया है, जो भारत सरकार के मापदंडों से दुगना है। इस वर्ष केला फसल राहत 27,000 रुपया प्रति हेक्टर से बढ़ाकर के 1,00,000 रुपया प्रति हेक्टर की गई है। अधिकतम 3,00,000 रुपया प्रति कृषक को राशि प्रदान कर दी गई है। बहरानपुर में केला उत्पादन किसानों को आपदा की घड़ी में सरकार का सम्मान मिला है। प्रदेश देश में प्रथम ऐसा राज्य जहाँ किसानों को 0% ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस लाभ से कोई वंचित न रहे, इसलिए मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत आरोपित ऋणों पर भी ब्याज माफ कर दिया गया है। मूल राशि के पुनर्भुगतान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है। इस योजना में भाग लेने वाले किसानों को तुरंत साक्षी मंद रखकर 0% ब्याज पर ऋण पुनः उपलब्ध कराया जा रहा है। नगरों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने विशेष प्रयास किए। स्मार्ट सिटी परियोजना में काशी, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना, रीवा, सागर इन शहरों में पुनर्निर्माण पर हमारा जोर है।
पचास छह हजार 600 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण और उन्नयन 3200 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण, संभागीय मुख्यालय को 4 लाइन, जिला मुख्यालय को 2 लाइन प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चंबल एक्सप्रेस वे महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को जोड़ दिया जा रहा है। सड़क निर्माण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जो बारामासी सड़कों से न जुड़ा हो। बरसात के समय सड़क खराब होने के कारण इलाज की ऐसी चीजों पर ये कल की बात होगी, समृद्ध मंत्री ऐसी कोई जगह नहीं होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीबों के स्वास्थ्य के लिए महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत तालियां हो आपकी ओर से सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, यहां आसमान में गुब्बारों को छोड़ रहे हैं। आसमानी ऊंचाइयों तक हमारा तिरंगा लहराए, पूरे विश्व में हम विश्व गुरु के रूप में हो, यही भाव छोड़ा गया।